तो भाई साहब स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस प्यारे से गेम प्ले में। और आज का गेम प्ले होने वाला है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, क्योंकि आज हम लोग वो चीज़ करने वाले हैं जो जान का खतरा तो है फिर भी बहुत पसंद है सबको। नहीं यार, मैं किसी को प्रपोज करने की बात नहीं कर रहा, मैं तो स्टंट की बात कर रहा। और भाई साहब स्टंट करेंगे भी तो छोटे मोटे गाड़ियों से नहीं, सीधा फार्चूनर से। फार्चूनर को लेंगे, खाई में कूदा देंगे, अपने लिए तो वही सबसे बड़ी स्टंट है। बच्चे कृपया इसे बाहर में ट्राई ना करें, क्योंकि ये गेम एंड्रॉयड में ट्राई किया जा रहा है, इसलिए चुपचाप कबड्डी बड्डी खेलो जाके। क्या गेम वो खेलोगे? तो मैं यूट्यूब के चक्कर में खेलता हूँ ना, लात मारूँ ऐसे गेम को। तू समझा? तो भाई साहब पिछले बार एक भाई का कमेंट आया था कि आपका गेम बहुत लैग करता है, तो गेम पे ही जाओ यार आप। 50 MB का गेम है, वरना मेरा डिवाइस इतना पावरफुल है कि 5 PUBG एक ही बार में ओपन कर लेगा। तो भाई साहब यहाँ पास स्टंट मारने के लिए हमें जाना है फॉर्चुनर पे, मतलब फॉर्चुनर में मारना है, लेकिन यहाँ पास जाएंगे हम अपने बाइक से। फॉर्चुनर में नहीं जाऊँगा, अगर मैं गलती से फॉर्चुनर में चला गया तो फॉर्चुनर का एक टायर भारत में मिलेगा, एक टायर इंडिया में और मिलेगा। बच्चा बाकी का 2 टायर वो मेरे को नहीं पता कहाँ गया। भांग खा के आओ का बच्चा। तो यहाँ पास मेरे बाइक गिर गई थी। कैसी गिरी थी आपको पता है? अगर नहीं पता तो खैर तो छोड़ो। यहाँ पास मैं अपने बाइक को लेके 7वां गियर लगा के निकल चुका हूँ अपने लोकेशन की तरफ। लोकेशन में मैं इसमें मार्क नहीं कर सकता क्योंकि इसमें मैप ही नहीं दिया, लेकिन इसमें मैं फिर भी वहाँ पहुँच जाऊँगा जहाँ मुझे जाना है। तो जल्दी से हम चलते हैं वहाँ पास। 1 hour later ये है हमारा वो पहला इंसान जिसके ऊपर हमें स्टंट मारना है। तो एक बार मैं ट्रायल लेके देख लेता हूँ। हाँ, एकदम मक्खन की तरह पड़ा। और ये क्या, मैं तो ऊपर ही लटक तो गया। भाई साहब इस स्टंट को मारने में टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि एक बार जो प्लेयर ऊपर चला गया नीचे आने में उसको 2 दिन लगते हैं। तो भाई साहब यहाँ पास मैं फॉर्चुनर मंगा रहा था, गलती से रॉल्स रॉयल्स आ गई, तो गड्ढा खन के इसको गाड़ना पड़ेगा। तो जल्दी से यहाँ पास मैं फॉर्चुनर मंगाता हूँ। तो भाई साहब यहाँ पास अपनी फॉर्चुनर आ चुकी है, तो जल्दी से इसके अंदर बैठता हूँ। और देख सकते हो ये एकदम 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 ही ज़्यादा पुराना मॉडल लग रहा है। लगता है गेम वाले दिमाग वाले फ्री का पकड़ा रहे हैं, मतलब कुछ भी पकड़ा दो वाला सीन है। अच्छा फॉर्चुनर ही दिए हैं, कुछ और नहीं दिए हैं। गजब तू भी आजाद। तो भाई साहब चलो आज के वीडियो का पहला स्टंट मारते हैं। और ये बिल्कुल सक्सेसफुल रहा ये स्टंट, बहुत अच्छे तरीके से। और एक स्टंट में जो जो होना चाहिए बिल्कुल वही हुआ। गेट उखड़े, कांच टूटे, बस इससे ज्यादा क्या हो सकता है। और कौन है ये लोग? तो भाई साहब यहाँ पास हम अपने दूसरे स्टंट की तरफ बढ़ रहे हैं। और हाँ, ये वो नहीं था, पिछला वाला नहीं था, हम अभी सही जा रहे तो भाई हैं। साहब जल्दी से हम निकलते हैं। और मेरे को एक तो मिल नहीं रहा है वो गया कहाँ? हाँ इधर है वो, इधर है वो। ये मैं इस वाले की बात कर रहा था जिसमें चढ़ने में 5 मिनट उतरने में 2 दिन लगते हैं। Hours later. तो भाई साहब यहाँ पास मैं गाड़ी को पीछे ला लिया था, अब जल्दी से आगे ले जाते हैं और इसके ऊपर से एक बार में कुदा देते हैं। जैसे समोसे में नहीं होता आलू, वैसे इसमें भी वो नहीं है सेफ्टी। और बैक्स। भाई साहब आज मैं ऊपर, आसमां भी ऊपर और पानी भी ऊपर, सब कुछ ऊपर। तो भाई साहब मैं आप सभी से मिलता हूँ नीचे आने के बाद, तब तक के लिए टाटा गुड बाय। 3 hours later. तो भाई साहब यहाँ पास हमारी गाड़ी हो चुकी है अनकंट्रोल, और पता नहीं किसको किसको ठोक दी, एक गाड़ी ही उल्टी कर दी और मेरे को फेंक दिया। लगता है नाराज है मेरे से। चलो कोई बात नहीं, गलती भी तो उसकी है। तो यहाँ पास मैं अपने दोनों पैरों के सहारे उठ जाता हूँ, हाथ तो कोई काम के नहीं है। और यहाँ पास मेरे फॉर्चुनर की तो बहुत गंदी हालत हो चुकी है, और सामने रेड कार वाला इसको और ठोक रहा है, लेकिन ज़रा ध्यान से तो देखिए। ओ, अब मैंने जाना है क्यों ठोक रहा है, क्योंकि इसके 2 टायर तो मेरे को दिख ही नहीं रहे, कहाँ चले गए? लगता है इसने डर के अपने जेब में ही रख लिया अपने दोनों टायर। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। तो भाई साहब यहाँ पास मेरे को कॉल करके फिर से नई फॉर्चुनर मंगानी पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं मंगा लेते हैं। तो भाई साहब यहाँ पास अपनी फॉर्चुनर आ चुकी है, जल्दी से इसके अंदर बैठ जाते हैं और जल्दी से हम अपने अगले लोकेशन की तरफ निकल जाते हैं। देखो अगले लोकेशन की तरफ निकल लूँगा तभी तो मैं स्टंट कर पाऊँगा, तभी तो वीडियो कम्प्लीट होगी, जल्दी से हो। तो इस बार हम लोग स्टंट करने के लिए जा रहे हैं दुबई। हाँ थोड़ी से 1-2-4 कदम चलूंगा फिर आ जाएगा। इस जगह को मैंने प्राइवेट नाम दिया है दुबई करके। सो अपने फॉर्चुनर को घसीटते घसीटते तो मैं यहाँ तक ले आया, बट इसके ऊपर ले जाने में हालत ख़राब होगी, क्योंकि फॉर्चुनर का पिकअप सब बहुत ख़राब है इसमें। और इसकी बिल्ड क्वालिटी वो तो बिल्कुल नमक चाट है पूरा, कुछ है ही नहीं। अरे नहीं माई वर्ड इज़ नॉट रियल फॉर्चुनर के लिए बोलिंग, माई वर्ड इज दिस फॉर्चुनर के लिए बोलिंग। लगता है ये नकली वाला फॉर्चुनर असली वाले फॉर्चुनर से जलता है, इसलिए तो ये नकली वाला फॉर्चुनर असली वाले फॉर्चुनर की तरह नहीं चलता, ये नकली वाले की तरह ही चलता है। समझ रहे हो? तो यहाँ पास मैं धीरे धीरे से ऊपर जा रहा हूँ, जाना तो जोर से चाहता हूँ लेकिन गाड़ी ही नहीं जा रही, ये बिल्कुल भी लोड नहीं ले रही, क्योंकि इसमें बहुत 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 ही ज़्यादा आदमी बैठे हैं। नहीं वो वाले कहा बात नहीं सुनी, मैं एक अकेला 100 के बराबर हूँ, वही कोई सीन मेरे साथ भी है। वाओ, वेरी डेंजरस।
तो भाई साहब यहाँ पास इतने मेहनत के बाद मैं फाइनली फॉर्चुनर को लेकर ऊपर पहुँच चुका हूँ, और ये फॉर्चुनर अभी भी बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे चल रही है, और मेरे को लगता है लास्ट तो आ गया है, मैं ऊपर तक पहुँचने वाला हूँ। और ये साला मैं जितने बात को लंबा करता हूँ उतना ये रैंप लंबा, और फाइनली मैं पहुँच गया। ये कहाँ पहुँच गया? अरे गाइस लगता है प्रैंक हो गया हमारे साथ। आपके मोबाइल के पीछे देखो कैमरा। तो भाई साहब यहाँ पास मैं नहीं नहीं गाइस नहीं, प्रैंक नहीं हुआ है, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। हमको यही तो आना था, हमको और कहाँ जाना था। जिसको ढूंढा मैंने गली गली वो तो ये कोलकी में मिली। तो भाई साहब मैं आपसे वादा करता हूँ अगली वीडियो तो फॉर्चुनर के ऊपर बनाऊंगा ही नहीं। साला इससे ज़्यादा तेज तो मेरी जुबान चल लेती है। खैर आप भी घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हो यार, आप भी कोई स्टंट करो, मैं बताता हूँ। पहले तो जीप को बाहर निकालो, उसके बाद दांत दिखाओ। ये हुई ना बात, अब लग रहे हो कुत्ते जैसे। फोटो खींच लिया बेटा मैंने, देख लेना इंस्टाग्राम में आएगी, फॉलो कर लो, नीचे लिंक दिए। तो यहाँ पर स्टंट के मामले में तो मैं सिर्फ रैंक के ऊपर चढ़े जा रहा हूँ और गिरे जा रहा हूँ। ये फॉर्चुनर का ज़्यादा स्पीड भी नहीं है, और पिछले बार जो रॉयल्स रॉयल्स में की थी मैंने, उसमें तो सीधा छत पार के निकल जाता था, निकलता था और सीधा निकल ही जाता था। तो भाई साहब यहाँ पास फॉर्चुनर को मैं फिर से घुमा देता हूँ, अब किसी नई जगह पे चलता हूँ, क्या पता वहाँ अच्छे से बन जाए। तो यहाँ पास मैंने एक फिर ये ठेस आ गया, और देखो फॉर्चुनर ठेसता है तो खुद रुक जाता है, वो लड़की थोड़ी ना थी, वो तो खम्बा थी, खम्बा चलती फिरती खम्बा। तो यहाँ पास फॉर्चुनर को लेकर मैं आ चुका हूँ और मस्त से ड्रिफ्ट मार दी। नहीं ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, पहली बार ड्रिफ्ट पड़ा है। तो यहाँ पास मेरे को देख के लग रहा है हमारी फॉर्चुनर अभी भी जिंदा है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस छोटे मोटे स्क्रैच है। तो यहाँ पास मैं फिर से इसको रैंप के ऊपर लेके आ चुका हूँ, और बस अब धीरे धीरे जाने दे रहा हूँ, ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं जाने दे सकता, वरना एक बार स्लिप खा गई ना फिर से इसको कौन ऊपर चलाएगा। मेरे को पता नहीं था गेम प्ले इतना बेकार जाएगा, तो खैर इसको यहीं पर पटकता हूँ। सो आज के वाले वीडियो यहीं तक, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, देख लो मन करे तो शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।